आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने 8 अगस्त 2015 को लोकायुक्त को शिकायत भेजकर जीटी रोड पानीपत 86 से 96 किलोमीटर व समालखा की प्रमुख सड़कों रेलवे रोड चुलकाना रोड जोरासी रोड बिहोली रोड रेलवे रोड से मनाना फाटक रोड व जीटी रोड समालखा पर अवैध कब्जों को हटवाने की मांग की थी। आरोप लगाया था कि अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा जनता ट्रैफिक जाम के रूप में भुगत रही है। लोकायुक्त द्वारा कराई गई जांच में कपूर के आरोप सिद्ध हो गए। लोकायुक्त रजिस्ट्रार ने अपनी जांच में पानीपत के 3 जिला उपायुक्तों को जीटी रोड सहित प्रमुख सड़कों से अवैध कब्जे न हटवाने का दोषी पाते हुए लोकायुक्त से तीनों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की अनुशंसा की है। जीटी रोड समालखा और पानीपत जीटी रोड और पानीपत समालखा की जो है मुख्य सड़कों के ऊपर जो अवैध कब्जे कर रखे हैं, ये हमने लोकायुक्त में एक शिकायत करी हुई थी। लोकायुक्त रजिस्ट्रार ने इसकी सुनवाई करने के बाद जांच करने के बाद पानीपत के 3 जिला उपायुक्तों जिसके अंदर मौजूदा डीसी सुमेधा कटारिया वो तत्कालीन डीसी समीर पाल सरों और डॉक्टर चंद्रशेखर खरे को ड्यूटी से लापरवाही का दोषी पाते हुए इनके खिलाफ तीनों के खिलाफ लोकायुक्त माननीय जस्टिस एन के अग्रवाल को कार्रवाई करने की सिफारिश करी है। ये रिपोर्ट उन्होंने अपनी दी है और अब इस मामले की जो अगली सुनवाई है जस्टिस एन के अग्रवाल लोकायुक्त हरियाणा 20 नवंबर को करेंगे। मैंने 4 साल पहले 16 अगस्त को शिकायत करी थी इन अवैध कब्जों को हटवाने के लिए कि इन अवैध कब्जों के कारण से रोड जाम की समस्या हो रही है। लोकायुक्त रजिस्ट्रार ने इनके खिलाफ बड़ी कड़ी टिप्पणियाँ भी करी हैं। उन्होंने लोकायुक्त रजिस्ट्रार डॉक्टर एम एस सुल्लर ने लिखा है अपनी रिपोर्ट के अंदर जांच रिपोर्ट के अंदर कि ये तीनों अधिकारी जो हैं ड्यूटी से लापरवाह हैं। 4 साल हो गए हैं शिकायत करे हुए लेकिन इन्होंने कोई भी कार्रवाई इन कब्जों को हटवाने के लिए नहीं करी और कभी कोई बहाना बनाते रहे कभी कोई बहाना बनाते रहे। कभी फोर्स नहीं मिली ये कह दिया कभी कह दिया कि हाई वोल्टेज तारे हैं लेकिन ये कब्जे नहीं हटवाए गए। सिर्फ समालखा के अंदर 25 कब्जे हटवाए गए जबकि वो 79 कब्जे थे और कुछ लोगों ने स्टे लिया लेकिन जिन्होंने स्टे नहीं लिया उनके कब्जे भी नहीं हटाए गए। तो ये पूरी एक उन्होंने कठोर टिप्पणी करी है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश करी है। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन ब्रेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।